इस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का दो पार्ट है जो फर्स्ट पार्ट है उसका वेटेज है मार्क्स और जो सेकेंड पार्ट है उसका भी वेटेज है मार्क्स फर्स्ट क्वेश्चन इजी है है बस आपको कैसे represent करना है, ये मैं आपको कैसे रिप्रेजेंट करना मैं बताऊंगा एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन यहाँ पे स्पेस होगा डी ऑर्बिटल्स इन एन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड एक्सप्लेन करना है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड शुरुआत में आप जो पॉइंट लिखोगे की अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये आप फर्स्ट पॉइंट लिखोगे की अकॉर्डिंग टू सी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब कोई लिगेंड अप्रोच करता है ट्रांजिशन मेटल को कोई लिगेंड जब अप्रोच करता है ट्रांजिशन मेटल को देन उस लिगेंड के जो लोन पेयर्स है उस लोन पेयर्स को एज्यूम किया जाता है एज नेगेटिव पॉइंट चार्ज इसको आप लिखना कि अकॉर्डिंग टू सी एफ टी वेन समीगेंड अप्रोचेस टू आप लिख लो मैं बोलते जा रहा हूं आप लिख लो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वेन सम लिगेंड अप्रोचेस टू अ ट्रांजिशन मेटल कैटायन देन द लोन पेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लिगेंड आर एज्यूमड एज नेगेटिव पॉइंट चार्ज सेकेंड पॉइंट वी नो दैट जो ट्रांजिशन मेटल होता है उसके पास डी ऑर्बिटल रहता है या तो फिल्ड, या तो एम्प्टी। सो ट्रांजिशन मेटल हैज इनहेरेंट इलेक्ट्रॉन्स रिसाइडिंग इन डी ऑर्बिटल। ट्रांजिशन मेटल्स हैव इलेक्ट्रॉन्स रिसाइडिंग इन डी ऑर्बिटल। सो व्हेन द लिगेंड्स लोन पेयर दैट इज नेगेटिव पॉइंट चार्ज द लिगेंट लोन पेयर दैट इज नेगेटिव पॉइंट चार्जेज एप्रोच ट्रांजिशन मेटल कैटायर इज अ रिपल्शन देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन द बोथ इलेक्ट्रॉन्स और बोथ नेगेटिव चार्ज थर्ड पॉइंट में थर्ड पॉइंट में एक डायग्राम भी आप देना थर्ड पॉइंट में आप लिखोगे एज ए रिजल्ट आपने बता दिया कि रिपल्शन होगा सो एज ए रिजल्ट द फाइव डी डी ऑरबाइट फाइव डी जेनरेट डी ऑर बाइटल्स जो कि ब्रैकेट में आप मेन्शन भी कर दीजिएगा डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्सडीएक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड ऑब्वियसली डी जेड स्क्वायर एज ए रिजल्ट द फाइव डी जेनरेट डी ऑर बाइटल्स गेट्स प्रोमोटेड टू अर एनर्जी रिजियन गेट्स प्रोमोटेड मतलब हायर एनर्जी रिजियन पर चला जाता है गेट्स प्रोमोटेड टू अ हाई एनर्जी रीजियन अब यहां पर इसके अंदर यह सब पॉइंट कर देना की इफ द फील्ड वॉज स्फेरिकलिकल क्रिस्टल फील्ड भी होता है इफ द फील्ड वॉज फेरिकल देन ऑल फाइव डी ऑर्बेटल्स जो पांचों के पांच डी ऑर्बेटल्स थे वो हाई एनर्जी में जाने के बाद भी क्या रहेंगे डिजेनरेटिव रहेंगे सो इफ द स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड एग्जिस्ट

डी ऑरबाइटल टू ऑफ दिवेर एंड डी जेड स्क्वायर ये दोनों क्या है डायरेक्शनल है डी जेड स्क्वायर को आप ऐसे दिखा सकते हो और एक्सिस रहेगा इसका जेड एक्सिस और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप ऐसे दिखा सकते हो यहां पर भी जो जो एक्सिस रहेगा दैट विल पास थ्रू दिस ऑर्बाइट दिस लोब्स सो ये अगर एक्स है तो ये होगा वाई सो इन दिस टू केसेस दिस टू ऑर्बिटल्स आप क्या लिखोगे कि इफ द लिगेंड अप्रोचिंग आर क्रिएटिंग एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड देन टू ऑफ द डिऑर्बाइटलमलीयर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर विल फील डायरेक्ट रिपल्शन विल फील डायरेक्ट डायरेक्ट रिपल्शन और डायरेक्ट रिपल्शन फील करने पर क्या होगा एज ए रेजल्ट एज ए रेजल्ट दे बी मोर डिस्टेबिलाईज दे मतलब डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे विल मोर डी स्टेबिलाईज डिस्टेबिलाईज का मतलब क्या है जितना डिस्टेबिलाईज होगा उतना ज्यादा एनर्जी दे विल बी मोर डिस्टेबिलाईज देन अदर थ्री डी ऑरबाइटल अब अदर थ्री डी ऑर्बिटल्स कौन कौन सा है अदर थ्री डी ऑर्बिटल्स में है डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्सड और वो क्यों ज्यादा रिपल्शन फील नहीं करेंगे क्योंकि उनका कुछ ऐसा होता है ओरिएंटेशन कि अगर ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है तो ये हो गया आपका डी एक्स वाई या फिर ये अगर आपका x एक्सिस होता और यह अगर आपका z होता तो यह हो जाता आपका डी एक्स जेड और अगर ये y होता और अगर ये z होता तो यह आपका हो जाता डी वाई जेड तो तीनों के तीनों ऑर्बिटल डायरेक्टली x या फिर y या फिर z एक्सिस के अलोंग में नहीं है सो so, यहाँ पे आप कैसे दिखाओगे कि डी and स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बी मोर डिस्टेबिलाईजन अदर थ्री डी which are आर नॉट अलाइंस नॉट अलाइंड विथ एक्स वाई और जेड एक्सेस डायरेक्ट बस इसके बाद आप क्या कर दीजिएगा इसके बाद एक डायग्राम आपको करना होगा कैसे आप दिखाओगे कि लिगेंड कहां से अप्रोच कर रहा है और आपके ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन क्या है यह आप ड्रॉ करोगे विथ मेंशनिंग कि डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्से दोचिंग लिगेंड यह क्या है इसको आप मेंशन कर दोगे लिगेंड्स और बेहतर आप इसको बोल दो अप्रोचिंग लिगेंड्स तो इन केस ऑफ डी जेड स्क्वायर क्या है इन केस ऑफ डी जेड स्क्वायर जेड एक्सिस के थ्रू जो दो लिगेंड अप्रोच कर रहा है वो डायरेक्टली रिपल्शन कर सकता है एंड इन केस ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये जो एक्सएक्स एंडक्स के थ्रू चार लिगेंड अप्रोच कर रहा है वो डायरेक्टली रिपल्शन कर रहा है डी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन को लेकिन उसी जगह पे बाकी तीन डी ऑर्बिटल्स को आप कैसे दिखाओगे उसके लिए पहले आप ऑक्टाहेड्रल एक ढांचा बना लीजिए ऐसा होता है ऑक्टाहीड्रल लिगेंड छे कहां पे रहेगा यहां पे, लिगेंड, यहां, पे लिगेंड, यहां पे एक लिगेंड यहां पे एक लिगेंड यहां पे एक यहां पे चौथा लिगेंड ऊपर और नीचे से यहाँ पे और एक लिगेंड यहाँ पे और एक लिगेंड अप्रोचिंग डायरेक्शन भी आप दिखा दीजिए ये एक अप्रोचिंग डायरेक्शन हो गया ये अप्रोचिंग ये अप्रोचिंग यहाँ पे भी दोनों तरफ से अप्रोचिंग और नीचे से भी अप्रोचिंग अब एक्सिस कौन सा कौन सा है ये भी आप डिनोट कर दो जैसे कि ये जो एक्सिस है इस एक्सिस को आप बता दो कि एक्स ये जो एक्सिस है इस एक्स एक्सिस को आप बता दो वाई और ये जो एक्सिस है ऊपर वाला इसको आप बता दो जेड तो अब सपोज आपको बी एक्सवाई ये ऑर्बिटल को ड्रॉ करके दिखाना है एग्जाम हॉल में आप कैसे ड्रॉ करोगे बी एक्स वाई मतलब ये रहेगा किस प्लेन में एक्स वाई प्लेन में ये रहेगा आप ये सब लिखना मत मैं आपको बस दिखा रहा हूं कि कैसे ड्रॉ करना चाहिए आप ड्रॉ कौन सा करोगे ये दोनों को ड्रॉ करोगे ये जो दो फिगर मैंने ड्रॉ किया और अभी मैं जो ड्रॉ करने जा रहा हूं उसका तीन वर्षन ड्रॉ करोगे तो पहला वर्षन मैं दिखा देता हूं फॉर बी एक्स वाई डी के लिए क्या करोगे कि एक्स वाई प्लेन में तो रहना चाहिए बट ख्याल ये रखिएगा कि वो डायरेक्ट एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस ना रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर अलोंग रहेगा तो क्या होगा कोई फर्क नहीं होगा p2g टू जी और eg और बैटल में तो इसको आप कैसे ड्रॉ करोगे ऐसे ड्रॉ करना एक्स वाई को ये रहेगा तो एक्स वाई प्लेन में लेकिन इसका डायरेक्शन एक्स वाई एक्सिस के बराबर नहीं होगा ठीक है तो ये हो गया आपका डीएक्सवाई सिमिलरली इसके बाद अगर डी वाई जी ये और ड्रॉ करोगे तो इसको क्या होना चाहिए वाई जेड प्लेन में होना चाहिए आप ज्यादा झमेला मत करना इसी फिगर ये जो फिगर आपने किया इसी फिगर को दूसरे बार आप ड्रॉ करना चेंज क्या करोगे जहां पे एक्स था है ना यहां पे एक्स था एक्स के जगह पे आप वाई कर दो और वाई के जगह पे आप जेड कर दो बस ये हो जाएगा क्या डी वाई जेड और बाइटल और जहां पे जेड था जेड के जगह पे आप X कर दो तो ये ऑर्बिटल हो गया इसी तरीके से आप डी ऑर्बिटल भी ड्रॉ कर लीजिएगा तो अब ये पांच फिगर जब ड्रॉ हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है आप अभी तक क्या क्या लिखे हुए कहां से किया था इस पॉइंट से कि अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईन सॉरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कोई ligand, जब कोई जब मेटल कैटायन को अप्रोच करता है तो उस लिगेंड का लोन पेयर को नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरह एज्यूम किया जाता है उनमें इलेक्ट्रॉन रिसाइड करता है एंड सो वेन दोचेज द ट्रांजिशन मेटल कैटायन इट क्रिएट्स रिपल्शन चार्जेस रिपल्शन थर्ड पॉइंट एज ए रिजल्ट जो फाइव डिजेनरेट ऑर्बिटल्स था उसका नाम मेंशन कर दीजिएगा दे गेट्स प्रोमोटेड टू अ हाई एनर्जी रीजन देन उसके अंदर दो केसेस केस नंबर वन व्हेन द क्रिस्टल फील्ड इज अ स्फेरिकल फील्ड देन ऑल द फाइव डी ऑर्बिटल्स वुड बी डी जेनरेट इवन इन द हाई एनर्जी मतलब इसका डायग्राम मैं अभी दिखाऊंगा ये जो पांच डी ऑर्बिटल्स है वो अप्रोच्ड बाय लिगेंट होने के बाद भी डिजेनरेटी रहेगा उसका एनर्जी बढ़ जाएगा लेकिन वो रहेगा डीजेनरेट ठीक है इसका डायग्राम मैं बाद में दिखाऊंगा यहां पे डायग्राम मत दिखाइएगा और सेकेंड केस केस नंबर टू की इन एक्चुअल केस इन रियल लाइफ द लीगेंट एप्रोचेज द ट्रांजिशन मेटल कैट थ्रू एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड और बाई क्रिएटिंग एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड दैट इज वाई एमोंग द फाइव डी ऑर

सपोर्ट करने के लिए आप ये एक डायग्राम ड्रॉ करोगे ये वाला डायग्राम जिसमें डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क् माइनस वाई स्क् रहेगा और उसके बाद यह तीन ऑर्बिटल आप ड्रॉ करोगे डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्सड का अब नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या लिखोगे इन द नेक्स्ट पॉइंट यू विल राइट दैट की एज ए कंसिक्वेंस कंसिक्वेंस मतलब एज ए रिजल्ट द टू डी ऑर्बिटल्स फॉर्म द टू डी ऑर बायटल ब्रैकेट में नाम मेन्शन कर दीजिएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर विल फॉर्म क्या फॉर्म करेगा इजी और ई जी डी जेनरेट और क्योंकि इसमें दो है एंड द रिमेनिंग थ्री डी ऑर बायटल्स इसका भी आप नाम मेन्शन कर दीजिएगा ब्रैकेट में विल फॉर्म क्या होगा ऑब्वियसली आपको पता है थ्री टी टू जी डी जेनरेट और यहाँ पे आप डी जेनरेट वर्ड को रख दो क्योंकि इनका एनर्जी क्या होता है सेम होता है और ऑर्बिटल के जगह ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स कर दीजिए पे भी सेम T2G degenerate orbitals. अब आप इसका एक डायग्राम दिखाओगे फाइनल तो आपको पूरा फाइव मार्क्स मिल जाना चाहिए कैसे दिखाओगे ये रहा आपका पांच डी जेनरेट डी ऑर्बिटल्स उसके बाद अगर स्फेरिकल अप्रोच होता तो इसका एनर्जी हाई तो होता लेकिन डी जेनरेटी रहता दिस इज स्पेरिकल उसके बाद अगर ऑक्टाहीड्रल अप्रोच है उसके बाद ऑक्टा हेड्रल फील्ड में जब अप्रोच हुआ है तब ऊपर जाएगा इजी नीचे आएगा टी टू जी दिस इज योर टी टू जी दिस इज इजी और बीच में ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं जितना इंफॉर्मेशन दोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा बैरी सेंटर दिस इज कॉल्ड बैरी सेंटर और इसका डिविशन भी आप दिखा दीजिएगा डिविशन क्या होता है ऊपर का होता है प्लस जीरो पॉइंट सिक्स डेल जीरो डेल जीरो मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड और नीचे क्या होगा नीचे होगा माइनस जीरो पॉइंट फोर डेल जीरो इस जगह पे आप मेंशन कर दीजिएगा स्फेरिकल स्फेरिकल फील्ड और इस जगह पे आप मेंशन कर दीजिएगा ऑक्टाहेड्रल फील्ड अब क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में क्या था नेक्स्ट पार्ट बहुत इजी है आपको बोला गया था कि सी टू प्लस चलिए मैं आपको और एक बार दिखा देता हूं नेक्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है कि गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड म्यू स्पिन मतलब spin moment, CO2 तो इसको बहुत आसानी से आप दिखा सकते हो बस आपको दो डायग्राम दिखाना पड़ेगा फर्स्ट ये आपको मेंशन करना है ऐसे करके आप बुलेट्स नंबरिंग जो भी करना चाहो कर सकते हो सीओ टू प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले आप बोल दो कि थ्री डी सेवन फोर एस जीरो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर डायग्राम बना दो बीच में अच्छे से पार्टीशन करके यहाँ पे आप लिखो कि हाई स्पिन हाई स्पिन इज इक्विवेलेंट टू जब कोई वीक फील्ड लिगैंड आया है वीक फील्ड लिगैंड आया है इसलिए तो वो पेयर अप नहीं कर पाया पेयर अप नहीं कर पाया इसलिए हमको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मिला है और राइट हैंड साइड में क्या लिखोगे राइट हैंड साइड में लिखोगे लो स्पिन बाय द वे यहां पे मैं इतना कलर यूज करना हूं एग्जाम के वक्त आप दो कलर यूज करना एक है ब्लू और एक है ब्लैक ब्लू और ब्लैक यूज करना इसके बाहर और कुछ नहीं यूज करना वो ज्यादा प्रोफेशनल रहेगा सो लो स्पिन फील्ड लिगेंड अब दोनों कॉलम के अंदर आप क्या क्या करोगे फर्स्ट कॉलम में आप पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर दो कि ऊपर क्या है ई नीचे क्या है टी तो हाई स्पिन में कैसे रहेगा इलेक्ट्रॉन हाई स्पिन में नीचे रहेगा टोटल हमारे पास है सेवन इलेक्ट्रॉन सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वन टू एंड थ्री सो थ्री तो म्यू स्पिन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ये होगा एन इन टू एन प्लस टू थ्री इन टू थ्री प्लस टू इसका यूनिट क्या है बोर मैग्नेटन बी एम तो इसको करोगे तो कितना आएगा 3.87 पॉइंट एट सेवन बोर मैग्नेटन सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी आप ऐसे करना लो स्पिन दिया गया है तो इसका मतलब सात इलेक्ट्रॉन में से पहले छह इलेक्ट्रॉन में तो आप नीचे फिलअप कर दो उसके बाद बाकी रहा एक इलेक्ट्रॉन उसको ऊपर फिलअप कर दो सो इन दिस पर्टिकुलर केस नंबर ऑफ कितना कितना होगा? Unpaired electron होगा one and spin कितना होगा? Spin होगा यानी कि जो होता है टन ये था आपका क्वेश्चन का पार्ट ए पार्ट ए जिसका पांच मार्क्स हो गया अब चलते हैं पार्ट बी के क्वेश्चन पे देखते हैं क्या पूछा गया है पार्ट बी में है कि हाउ इथिलीन डी मॉडल डी सी डी मॉडल के बारे में अपना पढ़ा होगा ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री पढ़ते वक्त तो हम डीसीडी मॉडल से ही डीसीडी मॉडल का जो एज्शन है इथिलीन के बारे में उससे ही आंसर लिखना चालू कर सकते थे लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट ही यह है कि हाउ इथिलीन बिहेव एज ए लिगेंट तो आप हमेशा ध्यान रखना डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने के वक्त अगर आपको एक ही क्वेश्चन को या फिर एक ही क्वेश्चन का दो तीन पार्ट दिया जाए दो तीन तरीके से लिखने के लिए कहा जाए तो ऑब्वियसली आपको अलग अलग तरीके से ही दिखाना पड़ेगा यहाँ पे बोला गया है कि इथिलीन एज ए लिगेंट कैसे बिहेव करते हैं तो ये लाइन हमेशा होना ही चाहिए सी टू एच फोर शोज सी टू एच फोर शोज द following behavior the following behavior in transition metal olefin complex matlab मतलब transition metal c2h4 complex lekin ye line likhne se pehle ye line aap abhi mat likho ye line likhne se pehle मैं दो चार line और बोलता हूँ उससे अगर आप शुरुआत कर पाओ तो सही रहेगा आप ऐसे शुरुआत कर सकते हो कि in 1827 a Danish chemist, a Danish chemist सिंथेसाइज करना एक बात होता है और उसको आइसोलेट करना एक बात होता है सक्सेसफुली एंड आइसोलेटेड सक्सेसफुली फर्स्ट मेटल ऑलिफिन कंप्लेक्स द फर्स्ट मेटल ऑलिफिन मतलब एल्किन मेटल ऑलिफिन कॉम्प्लेक्स नोन एज जीज सॉल्ट फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला है के प्लेटिनम सी एल थ्री साथ में इथिलिन और इसके बाहर डॉट एच टू ओ फ्रॉम दे आर आफ्टर ये लाइन लिखने के बाद फ्रॉम दे आर आफ्टर इथिलीन यानी कि सी टू एच फोर as वेरी गुड good ligand इन ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री ये हो गया अब आप इस लाइन को इंक्लूड कर दो अब इस लाइन को इंक्लूड कर दो कि इथिलीन शोज द फॉलोइंग बिहेवियर इन ट्रांजिशन मेटल ऑलिफिन कॉम्प्लेक्स एग्जाम में अगर ये पोर्शन आप नहीं लिखोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कोई भी मेंस एग्जाम का चाहे वो जीएसआई का मेंस है या फिर ऑप्शनल केमिस्ट्री सिविल सर्विस का मेंस है कोई भी मेंस आते आते आप इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे कि ये छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन 1827 में डेनिश केमिस्ट जीज ये एंड आइसोलेट किया था आप भूल जाओगे श्योरिटी है कि ये आप भूल जाओगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी याद रह जाए ये 1827 या फिर डेनिस केमिस्ट डिजीज ये सब नहीं लेकिन आप सिंपल इस लाइन से भी अगर शुरुआत करते हो कि जे सॉल्ट दुनिया का फर्स्ट मेटल ऑलिफिन कॉम्प्लेक्स था जो कि सक्सेसफुली आइसोलेट किया गया था और उसके साथ ये फॉर्मूला आप लिख देना तो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क आप कैरी करोगे सो लेट्स सी द मेन पॉइंट्स कैसे के तौर बिहेवियर करेगा? बुलेट्स नंबरिंग करके आप लिखना कि जो दो कार्बन एटम रहता है किसका C2H4 का इथिलीन का वो दो कार्बन एटम इक्वल डिस्टेंस में रहता है किससे इक्वल डिस्टेंस में रहता है कॉम्प्लेक्स किसके साथ बना रहा है ट्रांजिशन मेटल आयन के साथ तो ट्रांजिशन मेटल आयन के साथ इक्वल डिस्टेंस में रहता है ये आप फर्स्ट पॉइंट में लिखोगे कि द टू कार्बन एटम्स ऑफ इथिलीन रिमेंस एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रांजिशन मेटल कैटायन दे आर अप्रोचिंग ठीक है नेक्स्ट बुलेट्स नंबरिंग पे आप क्या पॉइंट लिखोगे कि द टू कार्बन एटम्स ऑफ इथिलीन इथिलीन में जो दो कार्बन एटम है और जो ट्रांजिशन मेटल कैटायन है ये दोनों जिस प्लेन में है ये दोनों एक प्लेन में है ये दोनों जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर में चार सी एच बॉन्ड एग्जिस्ट करता है और इसके साथ एक फिगर भी आप ड्रॉ कर दोगे कैसे फिगर ड्रॉ करोगे सपोज दिस इज इथिलीन स्ट्रक्चर और इथिलिन के साथ सेम प्लेन में क्या है सेम प्लेन में है ट्रांजिशन मेटल तो ये तीनों को सेम प्लेन में आप ऐसे दिखाओ फिर जो सी एच बॉन्ड है कितना बॉन्ड है चार बॉन्ड है वो इसके परपेंडिकुलर है वो दिखाने के लिए आप ऐसे करके ड्रॉ करो यहाँ पे मैंने अलग कलर यूज किया वहां पे भी आप अलग कलर यूज करना किसी को अगर आप ब्लू में दिखा रहे हो तो दूसरे को आप आप ब्लैक में दिखाओ अगर इस चीज को आप ब्लू में दिखा रहे हो तो ये जो चार सी एच पॉइंट है उसको आप ब्लैक में दिखाओ और साथ में ये लाइन लिखो कि टू कार्बन एटम्स अलोंग विथ ट्रांशन मेटल कैट रिमेन्स ए परपेन्डिकुलर पोजिशन विध रिस्पेक्ट टू फोर्स ठीक है ये सेकेंड बुलेट्स नंबरिंग हो गया थर्ड बुलेट्स एंड नंबरिंग में आप क्या लिखोगे देखो फिगर ऑलरेडी आपने दे दिया थर्ड बुलेट्स नंबरिंग में छोटा से ये पॉइंट लिखो कि केस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कम्पलेक्स ऑर्गेनोमेटेलिक का कोई भी अगर कंप्लेक्स है उसमें क्या होता है लिगैंड डोनेट करता है क्या डोनेट करता है लोन पेयर डोनेट करता है टू ट्रांजिशन मेटल्स डी ऑर्बिटल हेयर द पाई ऑर्बिटल ऑर्बिटल पाई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसका पाई ऑर्बिटल का पाई ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांजिशन मेटल के डी ऑर्बिटल पे डोनेटेड होता है हो गया अब हम क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में जाएंगे सेकेंड पार्ट में ये पूछा गया था सेकेंड पार्ट आप कैसे शुरुआत करोगे ऐसे शुरुआत करना पूछा गया था कि चेंजेस क्या होता है तो आप हेडिंग ही दो अलग अलग हेडिंग दोगे ना तो ज्यादा सही रहेगा इसका हेडिंग आप क्या दोगे ये जो आपने आंसर लिखना शुरू किया था इसका हेडिंग आप दोगे बिहेवियर ऑफ इथिलीन एज लिगेंट इथिलीन का बिहेवियर एज ए लिगेंट इन ऑर्गेनोमेटलिक कॉम्प्लेक्स और सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इसका आप ऐसे लिखोगे कि चेंजेस इन इथिलिन इन मेटल ऑलिफिन कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू कौन सा थ्योरी डी सी डी थ्योरी अब इसके अंदर जब शुरुआत आप करोगे पहले ही चेंजेस मतलब लिख देना पहले लिखोग डीसीडी थ्योरी में क्या कहा गया है अकॉर्डिंग टू डी सी डी ब्रैकेट में फुल नाम देना डीसीडी का फुल फॉर्म है डीवर चैट एंड डन कैंसन डीवर चैट डन कैंसन थ्योरी बुलेट नंबरिंग के अंदर बुलेट्स नंबरिंग देना आता है जैसे कि रोमन वन रोमन टू रोमन थ्री ऐसे आप नंबरिंग कर सकते हैं ये हो गया बुलेट्स ये हो गया आपका नंबरिंग सो अकॉर्डिंग टू डीसीडी थ्योरी फर्स्ट पॉइंट सी टू एच फोर का फील्ड पाई और जो है फील्ड पाई और वहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है कहां पे बीजेड स्क्वायर वैकेंट और ये डी जेड स्क्वायर पे है ट्रांजिशन मेटल कैटायन में ये आपको मेंशन कर देना है कि डोनेशन हो रहा है यहां पे डोनेशन हो रहा है फ्रॉम सी टू एच फोर्स फील्ड पाई ऑर्बिटल टू द एम टी डी स्क्वायर ऑर्बिटल ऑफ ट्रांसिशन मेटल डीजेट स्क्वायर ऑर्बेटल की जगह दूसरा कोई ई जी भी हो सकता है दूसरा जी ऑर्बिटल कौन सा बचा एक ही बचा dx2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो इन दोनों में से प्रेफरेबल है डीजेट स्क्वायर अब डीसीडी थ्योरी मेनली हमको क्या कहता है डीसीडी थ्योरी कहता है कि अगर डोनेशन हो रहा है ट्रांजिशन मेटल ऑलिफिन कॉम्प्लेक्स में तो उसमें बैक डोनेशन भी होगा सिर्फ डोनेशन नहीं हो सकता है तो बैक डोनेशन ऑब्वियसली यहां पे होता है उसको आप कैसे दिखाओगे उसको आप लिखोगे ऐसे कि साइमल्टेनियसली ऐसा तो नहीं है कि बैक डोनेशन और डोनेशन अलग अलग टाइम पे होता है साइमल्टेनियसली होता है सो साइमल्टेनियसली बैक डोनेशन ऑकर्स कहां से कहां पे फील्ड टी टू जी ऑरबेटल टी टू जी में जितने भी डी ऑर्बिटल्स है ऑफ ट्रांजिशन मेटल वहां से डोनेशन सॉरी बैक डोनेशन हो रहा है कहां तक एम्प्टी कौन सा एम्प्टी ऑर्बिटल है एल्किन में पाइस्टर गलती से मत लिख देना दिस इज पाइस्टर पाई पाइस्टर ऑर्बिटल ऑफ द एल्किन ये दो पॉइंट आपने लिखा रोमन वन एंड रोमन टू में अब रोमन थ्री में आप क्या लिखोगे कि ये जो डोनेशन एंड बैक डोनेशन हो रहा है इसके लिए क्या तैयार हो रहा है एक सिनर्जी एंड फॉर दिस सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आर सम चेंजेस अब आप आंसर का शुरुआत करोगे फॉर दिस सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आर सम चेंजेस इन इथिलीन स्ट्रक्चर तो उसके पहले आप ये डायग्राम एक बार दिखा दो कि कहां से कहां तक डोनेशन एंड बैक डोनेशन हो रहा है ये आप अच्छे से ड्रॉ करके दिखा दीजिएगा कि डोनेशन हो रहा है पाई ऑफ एल्किन से BZ square of transition metal पे और साथ ही साथ डोनेशन हो रहा है transition metal के T2G orbital से से पे पे अब आपने जो यहाँ पे लिखा था कि ये की वजह क्या क्या चेंजेस आएगा अब उसको बुलेट्स नंबरिंग करके लिखिए जो चेंजेस आ रहा है एक नंबर चेंज बॉन्ड ऑर्डर जो बॉन्ड ऑर्डर है C डबल बॉन्ड C का वो क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा वाई बिकॉज फॉर द डोनेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दिज बोथ कार्बन एटम्स ऑफ ऑलिफिन इंक्रीजेस और इंक्रीजेस अगर हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दिस बोथ कार्बन एटम्स पोलरिटी ऑफ दिस बॉन्ड पोलरिटी ऑफ दिस डबल बॉन्ड विज एंड एज ए ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर ऑल्सो डिक्रीज सेकेंड चेंज सब इसके साथ रिलेटेड है बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होने के साथ साथ जो सी सी डबल बॉन्ड का वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी था वो भी क्या होगा डिक्रीज होगा थर्ड इज जो एसपी टू हाइब्रिडाइज था एक्चुअल में जब हम ट्रू एल्कि बात कर रहे हैं यानी कि सी टू एच फोर इथिलीन के बात कर रहे हैं तब वहां पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है sp2 टू बट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विद ट्रांजिशन मेटल ये जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको आप ऐसे लिखोगे दैट टेन टू टें टू एस पी थ्री ये थर्ड चेंज है और फोर्थ चेंज क्या है इसका एक एग्जाम्पल बस आपको दिखाना है बॉन्ड लेंथ सब रिलेटेड है एक दूसरे के साथ बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल जब प्योर इथिलीन के हम बात कर रहे हैं उसका बॉन्ड लेंथ है सीसी बॉन्ड लेंथ है बट केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल सी टू एच फोर कंप्लेक्स जो सी सी बॉन्ड लेंथ है दैट इज अराउंड 143 पिकोमीटर ये चार चेंज आपको दिखाना होगा विथ रेफरेंस टू दिस पिक्चर सो so क्वेश्चन का दो पार्ट हो गया पहला पार्ट था कि इथिलीन एज ए लीगेंट कैसे बिहेव करता है दूसरा है कि इथिलीन का क्या क्या चेंजेस आएगा ट्रांजिशन मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद अकॉर्डिंग टू डीसीडी थ्योरी एंड यू विल गेट अ गुड फाइव मार्क्स फॉर दिस सो आज हमने टेन मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व किया आप अप अपने तरीके से इसका नोट बनाओ अच्छे से एंड प्रैक्टिस द फिगर्स प्रैक्टिस द करेस्पॉन्डिंग फिगर्स विथ ब्लू एंड ब्लैक पेंस